हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। क्रैकेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग सब लोग सही होंगे, सुरक्षित होंगे और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपके कोई भी एग्ज़ाम के लिए। हम लोग आपको लाइव क्लास दे रहे हैं कल से। तो कल से हम लोग टेट सी टेट का नया बैच चालू कर रहे हैं, उसका सिलेबस आपके सामने है। हमारा जो हमने जो सिलेबस बनाया है या जो सिलेबस है उसके बारे में आपको डीपली पहले इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कहाँ से क्या क्या आने वाला है। तो पहले सिलेबस को आप ध्यान से देखिए और हम चाहते हैं कि जितने सारे हमारे सब्सक्राइबर हों वो सारे ऑनलाइन रहें ताकि आपको जो भी चीज़ है ऑनलाइन आपको लाइव पहुंच सके, ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स पर बकायदा उसमें आप बता भी सकते हैं कि आपको कैसी क्लास लग रही है। तो अभी हमारे जो रवि सर हैं वो आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे, शुरुआती पॉइंट बताएंगे और बारी बारी से हम लोग आपको सिलेबस के बारे में एक एक पॉइंट करके बताते हैं। तो रवि सर, तो पहले आपका कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्राइमरी लेवल के लिए है। आपके टोटल 150 प्रश्न आते हैं पूरी परीक्षा में, आपके 150 प्रश्न आएंगे, ठीक है। और किस किस टॉपिक से आएंगे, पहला है आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधि, 30 क्वेश्चन आते हैं इससे और सब क्वेश्चन एक नंबर का यानी 30 नंबर का, बाल विकास एवं शिक्षण विधि। दूसरा आता है आपका भाषा, पहली भाषा कोई आपको लेनी होती है हिंदी, ये आपकी अनिवार्य है हिंदी, ये भी इससे भी 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 अंक के, ठीक है। उसके बाद भाषा द्वितीय, अंग्रेजी है, उर्दू है, संस्कृत है, इनमें से आप कोई भी एक ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी कमांड अच्छी है वो चूज़ कर सकते हैं या जिससे आप पढ़े हैं, ये भी 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 नंबर के। उसके बाद चौथा है आपका गणित, गणित के भी 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 नंबर के। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है पर्यावरण, पर्यावरण के भी आपके 30 क्वेश्चन, यानी आपके 5 थे, 5 आपके सब्जेक्ट हैं एक तरह से और सब 30-30 नंबर के हैं और टोटल कितने के होंगे 150 के। प्रश्न कितने हैं 150 के, हर एक प्रश्न एक नंबर का, माइनस मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। अब आगे आपको सर बताएंगे। इसमें जितना भी आप बोर्ड पर देख रहे हैं जो बाकायदा आपको डिस्प्ले हो रहा है जिसमें बाल विकास और शिक्षण विधि दिया गया है, तो इसमें हर एक टॉपिक के आपको अलग अलग टीचर होंगे और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको अलग से दी जाएगी और इसमें लाइव क्लास चलेगी, पर डे के हिसाब से चलेगी, टॉपिक वाइज टॉपिक चलेगी। तो उसमें आपको बकायदा नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे किसी भी साइट के माध्यम से। तो इसमें जो जैसा कि सर ने बताया ये सारे सब्जेक्ट तो इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा घबराने वाला विषय होता है, काफ़ी स्टूडेंट इसमें घबरा जाते हैं, जैसे बाल विकास, कईयों को समझ में नहीं आता कि बाल विकास है क्या, बाल विकास को कैसे याद करें, जैसे कई सारे उसमें राइटर हैं, कई सारी विधियां हैं जिसके कारण स्टूडेंट काफ़ी कन्फ्यूज़न होते हैं। और दूसरी चीज़ है गणित, स्टूडेंट काफ़ी डरते हैं। और जबकि मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, काफ़ी बेसिक लेवल है इसमें मैथ का भी, आपका इंग्लिश का भी, अगर उसको आप आराम से पढ़ेंगे यानी कि सही तरीके से पढ़ेंगे, कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं है, अगर उसको अच्छी तरीके से समझेंगे तो आप चीज़ों को आराम से ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात यह है कि आपको रेगुलर रहना पड़ेगा और आगे जो एग्ज़ाम होने वाला है टैट का या सी टैट का, उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा अभी से। तो नंबर 1 आता है, इसमें आपका आता है बाल विकास एवं शिक्षा विधि, इसके बारे में आएगा, जिसमें जिसके कई सारे पार्ट हैं, जिसमें से आपको जिसके बारे में स्टूडेंट ज़्यादा घबराते हैं कि इसको कैसे याद किया जाए। तो इसमें जो पॉइंट बाय पॉइंट चलेगा आपका शुरुआत से, वो है पहला बाल विकास। तो बाल विकास में आपके बाल विकास का अर्थ है आवश्यकताएँ, क्षेत्र है, यानी काफ़ी सारी शारीरिक विकास भी होगा इसमें, मानसिक विकास भी होगा कि बच्चों का कैसे शारीरिक विकास किया जाए, मानसिक विकास किया जाए, उनका भाषा विकास कैसे किया जाए, उन्हें उनकी अभिव्यक्ति की जो क्षमता है उसको कैसे अच्छा बनाया जाए, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी, बाल विकास में। इसके बाद आपका आएगा सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत मतलब, सीखना मतलब अधिगम, किस प्रकार सिखाएं बच्चों को, कैसे सिखाना है, उसके तरीके क्या होने चाहिए, आधुनिक विधियाँ, पुरानी विधियाँ, उन सब के बारे में अध्ययन किया जाएगा और बाकायदा उसमें बताया जाएगा जो आधुनिक विधि थी, जो आधुनिक विधि जो इस समय चल रही है, जो पुरानी विधि थी उसमें क्या अंतर है, तो आधुनिक विधि के अनुसार बच्चे कैसे सीख रहे हैं, जैसे खेल के सीखना, जैसे बच्चों को प्रैक्टिकल करके दिखाना। भाई पहले हमारी जो शिक्षा क्या थी, शाब्दिक शिक्षा थी, एक शब्द ज्ञान हमको दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में जो शिक्षा प्रोवाइड कराई जा रही है वो किस प्रकार की शिक्षा है, वो एक
ऐसी शिक्षा है जो बच्चों को करके सीखने का मौका देता है। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक में आपका सीखने का अर्थ और तथा सिद्धांत में आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं शिक्षण तथा शिक्षण विधियाँ। शिक्षण की कई सारी विधियाँ होंगी जिसमें आपको संप्रेषण शिक्षण विधियाँ तथा शिक्षण सूत्र प्रविधियाँ, किस प्रकार की विधियाँ, आधुनिक विधि, पुरानी विधियाँ, इसमें कुछ वैज्ञानिक विधियाँ हैं जैसे आपकी देखते हैं कई सारी विधियाँ जैसे किंडरगार्टन विधि है, ठीक है, इसमें संप्रेषण की विधियाँ, संप्रेषण कौशल है, ठीक है, इसमें शिक्षक के बारे में भी बताया गया है क्योंकि आप एक अच्छे शिक्षक बनने जा रहे हैं तो सिलेबस में वो सारी चीज़ें डाली गई हैं ताकि आप एक अच्छे शिक्षक बने कैसे, एक बच्चे को कैसे आप समझाएँगे चीज़ें ताकि हमारी शिक्षा व्यवस्था को अच्छी तरह सुधारा जा सके। फिर आप देखेंगे आपका आखिरी नीचे वाला पॉइंट आता है समावेशी शिक्षा यानी एवं निर्देशन एवं परामर्श। तो समावेशी शिक्षा होती क्या है, सबसे पहले ये समझना चाहिए। समावेशी शिक्षा वो होती है जो एक नीचे तबके से लेकर और सारे समाज के सारे क्षेत्रों तक वो शिक्षा पहुँचे, उसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। जैसे एक अध्यापक है क्लास में पढ़ा रहा है तो उसका मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि उसकी क्लास में सारे बच्चों को वो चीज़ आनी चाहिए, सारे बच्चों को वो चीज़ समझ में आनी चाहिए, ना कि ऐसा ना हो कि कुछ टीचर सिर्फ आगे वाली रो के बच्चों पर फोकस करें, कुछ बच्चे डर के मारे पीछे बैठे रहते हैं। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ये भी बताया गया है और इसमें ये भी बताया गया है कि शिक्षा जो है वो छात्र केंद्रित है ना कि शिक्षक केंद्रित है। तो ये समावेशी शिक्षा, शिक्षा निर्देशों और परामर्श में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर आपका आएगा अधिगम और अध्यापन यानी कि अधिगम के तरीके और अध्यापन के बारे में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये आपका बाल विकास और शिक्षा विधि का ये पूरा ये 4-5 टॉपिक हैं ये मुख्यतः, इनमें से आपकी सारी चीज़ें आनी हैं और इन्हीं में से आपको पॉइंट वाइज पॉइंट आपको चीज़ें समझाई जाएंगी, बाकायदे इसमें की भी आपको बताई जाएंगी, शॉर्ट फॉर्म भी बताया जाएगा ताकि आप इसको कैसे याद कर सकें। और हम लोग ये भी कोशिश करेंगे आपको ऐसी चीज़ें बताएं जो जिससे आपको याद करने में आसानी हो, क्योंकि जो बाल विकास है, जो मनोविज्ञान है, उसको समझने में थोड़ी काफ़ी दिक्कत पड़ती है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों का हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कोशिश करेंगे जल्दी से। भाषा के सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले जो अनिवार्य भाषा है आपकी हिंदी है। अब हिंदी में देख लेते हैं आपका क्या क्या आएगा। अपठित अनुच्छेद, इसके बाद आएगा हिंदी वर्णमाला, फिर आएगा वर्णों के मेल, वाक्य रचना, हिंदी की सभी ध्वनियाँ, सभी प्रकार की मात्राएँ, विराम चिन्ह, विलोम और समानार्थी, फिर इसके बाद आएगा संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के भेद, वचन लिंग एवं काल, प्रत्यय उपसर्ग, तत्सम तद्भव और देशज शब्द, लोकोक्तियों एवं मुहावरे, संधि समास एवं अलंकार, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। ये सारी चीज़ें आपकी हिंदी भाषा में आनी है। अब आप सोच के देख रहे होंगे ये बहुत बड़ा सिलेबस है, ये कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, इसमें आपको बहुत ही इजी वे में चीज़ें समझाई जाएंगी और जो जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हिंदी वर्णमाला है, विराम चिन्ह है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। जब आप इनको देखेंगे पढ़ेंगे अभी तो देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा सिलेबस है, कैसे होगा। जब आप देखेंगे इनको, जब समझाया जाएगा, डिस्क्राइब किया जाएगा, तब आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब सेकंड भाषा की तरफ चलते हैं हम, जिसमें आपको ऑप्शन होता है कि आप भाषा कोई भी ले सकते हैं। इसमें 3 प्रकार की भाषा आपको मिलेंगी, पहली अंग्रेजी, फिर इसके बाद आपको मिलेगा उर्दू, फिर संस्कृत। इन तीनों में से कोई भी एक भाषा आप चूज़ कर सकते हैं जिसमें आपकी अच्छी कमांड है। तो आपका चौथा नंबर है गणित। गणित में आपका सिलेबस तो देखने में भी ज़्यादा लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं। पहला है आपका संख्याओं का जोड़ घटाना, बहुत सिंपल है, लासा मासा, भिन्नों का जोड़ घटाना, दशमलव, एकाकिक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज और जयंती। ठीक है, फिर उसके बाद धन में रुपया पैसा, मापन, परिमिति या परिमाप, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में सिर्फ आपका आयत और वर्ग है, ठीक है, बाकी चीज़ें नहीं है, रेलवे और बस का समय सारणी, आंकड़ों का निरूपण। देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं इसमें लेकिन हैं सब बहुत सिंपल सी। प्रतिशत में आपके बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ये जोड़ घटाने तो आप खुद से भी लगा सकते हैं,
लासा मासा भी आपने छोटे से सीखते चले आ रहे हैं, कक्षा 5 तक भी पढ़े होंगे आप अगर मैथ से, तो भी आपको लासा मासा मिलते हैं, ठीक है, भिन्न भी वहीं तक रहती है। तो यानी ये आपका कक्षा, मान के चलिए कक्षा 8 तक का, अब जितना आपने पढ़ा है कक्षा 8 तक का उतना ही सिलेबस है ये, उससे ऊपर का नहीं है, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है, गणित में हम ही पढ़ाएंगे आपको। आपने हमारे वीडियो तो देखे होंगे कैलेंडर वगैरह के, प्रसाद वगैरह के, अच्छे लगे होंगे आपको, ठीक है। और कल से हम लाइव क्लास लेंगे आपकी 11 बजे से, गणित हम ही पढ़ाएंगे पहले, ठीक है, कल मिलते हैं फिर। अब हम पांचवें टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो आपका सबसे आखिरी है और सबसे महत्वपूर्ण भी है, जिसका नाम है पर्यावरण। नाम के लिए एनवायरनमेंट है, लेकिन इसमें सारे सब्जेक्ट आपके मिलेंगे जो GS के होते हैं, जैसे आपका इतिहास भी है इसमें, भूगोल भी है, नागरिक शास्त्र भी है, पर्यावरण भी है, विज्ञान भी है। तो ये सारी चीज़ों का समन्वय आपका पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। देख लेते हैं कौन कौन सा विषय और कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं इसमें। तो आप देखते हैं, जैसे इसमें आएगा परिवार, यानी कि कितना छोटे परिवार, सीमित परिवार, बड़े परिवार, इनके बारे में डिस्कशन होगा। भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जो आजकल का मैटर भी है, भोजन यानी कि स्वस्थ भोजन, स्वास्थ्य यानी कि अच्छा भोजन खाएंगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, और स्वच्छता बहुत ही आवश्यक होती है हर क्षेत्र में, चाहे वो भोजन के क्षेत्र में हो, चाहे वो रहन सहन के क्षेत्र में हो, चाहे आपके पर्यावास के क्षेत्र में हो। फिर इसके बाद हम आवास का डिस्कशन करेंगे, आवास कितने प्रकार के होते हैं, शहरी आवास हो गया, ग्रामीण आवास हो गया, या कस्बाई आवास हो गया, उसके बारे में डिस्कशन करना है। पेड़ पौधों एवं जीव जंतु के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, कितने प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, उष्णकटिबंधीय वनस्पति कौन सी होती है, सदाहरित वन कौन कौन से होते हैं, दलदली वन कौन से होते हैं, टुंड्रा वन कौन कौन से होते हैं, या पर्वतीय क्षेत्र के वन कौन से होते हैं। अब वनों के हिसाब से भी आप जंतुओं का भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हर पर्यावास में जिस प्रकार का वन होंगे, जिस प्रकार के वहाँ की भौगोलिक या पर्यावरणीय स्थिति होगी, उसी प्रकार से जंतु होते हैं, और जो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग रूपों में और अलग अलग माहौल में बसे हुए होते हैं। फिर आता है हमारा परिवेश, हमारे परिवेश के बारे में डिस्कशन करेंगे, हमारे चारों तरफ का जो माहौल है उसके बारे में हमें डिस्कशन करना पड़ेगा। फिर आता है आपका मेला, जो कई सारे मेले भारत में होते हैं, जैसे सोनपुर मेला, ठीक है, जैसे सूरजकुंड मेला, इन सारे मेलों के बारे में डिस्कशन। इसमें सिर्फ आपको ये पढ़ना है फला फला मेला कहाँ होता है और उसकी विशेषता क्या है, क्या ये पशु मेला है कि सांस्कृतिक मेला है, बस, और उसकी जगह के बारे में बताना पड़ेगा। व्यवसाय, सारे व्यवसायों के बारे में हम डिस्कशन करेगा। ये जो टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन टॉपिक आपके कौन से हैं, परिवार, भोजन, स्वास्थ्य, पेड़ पौधे, हमारा परिवेश, जल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जल से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जल प्रदूषण से रिलेटेड, हमारे पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है, जल को कैसे शुद्ध किया जाता है, जल को सजोए कैसे रख सकते हैं, बरसाती जल को हम कैसे हमेशा यूज के लिए कैसे उपयोग ला सकते हैं, या बरसाती जल का प्रयोग हम रिसाइकिल के लिए कैसे कर सकते हैं। रिसाइकिल का मतलब आप जानते होंगे शायद, जिन्होंने पढ़ा हो, यानी कि भूमिगत जल का दोबारा रिसाइकिल करना। फिर आपका आता है यातायात और संचार के साधन। यातायात में आप जानते हैं, जैसे जल थल हवा द्वारा आपका यातायात होता है। संचार के साधन जैसे मल्टीमीडिया, इंटरनेट के माध्यम से संचार के जो साधन हैं, जो कम्युनिकेशन के लिए अति आवश्यक होते हैं। खेल एवं खेल भावना, खेल के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, और इन सारी चीज़ों का रिलेशन किससे जोड़ा जाएगा, आपकी एजुकेशन से, चाइल्ड एजुकेशन से, कि ये एजुकेशन में इनका क्या महत्व है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें। फिर आपके आएगा भारत की नदियाँ, इसमें सिर्फ भारत की नदियों के बारे में पूछा जाएगा, ना कि वर्ल्ड की नदियों के बारे में, भारत की नदियाँ, पर्वत, पठार, यातायात, महाद्वीप और महासागरों के बारे में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। संविधान, आप जानते हैं भारत के संविधान के बारे में बताया जाएगा, वैसे भी हमारा संविधान का और एनवायरनमेंट का ऑलरेडी टॉपिक चल रहा है, आपकी क्लासेस चल रही हैं, उससे भी आपको चीज़ें काफ़ी कुछ मिल जाएंगी। फिर आपका आता है शासन व्यवस्था, जिसमें हम पंचायती राज, नगर पालिका राज के बारे में पढ़ेंगे, और इसी में हम आपको और भी सारी चीज़ें जो शासन व्यवस्था के बारे में जो बताई गई है उसके बारे में बताया जाएगा। फिर आपका आता है मूल पर्यावरण, पर्यावरण में इसमें सारे प्रदूषण के बारे में और आपके ग्लोबल वार्मिंग और इसमें जो आपका ग्लेशियर पिघल रहे हैं, या पर्यावरण का क्या इफ़ेक्ट है, पर्यावरण में कैसे प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण को हम कैसे बचा सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन हमको इसमें करना पड़ेगा। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, जिसके बारे में हमने आपको ब्रीफ से बताया गया है,
बाकी का आपको स्लाइड के रूप में सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, तो आप कहीं भी इसको नोट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, ये जो आपकी कल से जो क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे ऑनलाइन रहें, उपस्थित रहें 11 बजे से, तो आपकी क्लासें ऑनलाइन चालू होंगी। और हम चाहते हैं कि आप लोगों का सपोर्ट हमारे साथ बना रहे, और जो अब तक आप लोगों ने हमको प्यार दिया है और सपोर्ट दिया है, जितने भी छात्र हमारे हैं उनके लिए हमारा तहे दिल से धन्यवाद।